नेथन लायन जब लायन की तरह दहाड़ते हैं ना भैया, तो फिर बहुत सारी टीम जो है वो थोड़ा सा दुबक जाती हैं। अब ये खिलाड़ी मेरे को बहुत पसंद है। इनफैक्ट मॉडर्न डे क्रिकेट में सब ये कहते हैं कि ना वो फिंगर स्पिनर्स का जमाना ही चला गया, अब सिर्फ रिस्ट स्पिन होती है। और ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल रिस्ट स्पिन होती है, क्योंकि ऑफ स्पिनर्स तो वहाँ चाहे मुरलीधरन चले जाएँ, चाहे वहाँ पे जाएँ सकलेन मुश्ताक, या जाएँ ग्रेम स्वान, चाहे रविचंद्रन अश्विन, सबके आंकड़े खराब है, बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन इसमें एक एबरेशन है, वो है नेथन लायन। अब इनको खास बात क्या बनाती है, इनको खास बात बनाती है इनका ज़बरदस्त बॉडी एक्शन। मतलब जब भी गेंद डालते हैं ना, तो पूरा का पूरा शरीर जो है वो गेंद की तरफ डालते हैं। तो अगर बॉडी एक्शन से आप गेंद करें और सिर्फ कलाइयों से नहीं, तो फिर ताकत लगती है आपके पैरों से, हिप से, कमर से, कंधे से, और एंड में रिस्ट से। तो फिर अंत में आप यू गेट अ बिट मोर परचेज ऑफ द सर्फेस। और ऑस्ट्रेलिया में तो आप अगर वो परचेज नहीं मिलेगा ना, तो आपका काम होगा नहीं। तो मुझे लगता है वैसे एसजी टेस्ट की बॉल ना आपको थोड़ा सा आलसी बना देती है। कुकुबुरा की बॉल इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ एक्शन, लॉट ऑफ बॉडी बिहाइंड द एक्शन। तो फिर ये एक खासियत उनकी है। जो दूसरी बात है, हवा का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, गेंद जो है वो ड्रिफ्ट होती है, पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल भी उनको मिलता है। तो ये तो इनको खास बनाता है। अब भारतीय बल्लेबाजों को क्या करना है, चूंकि यहाँ पे उछाल ज़्यादा रहने वाला है, तो फिर डिफेंस में एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि डिफेंस नीचे नहीं करना है, हाथ थोड़ा सा ऊपर रखने हैं। अगर आप ऊपर डिफेंस करेंगे तो फिर गेंद आकर ऊपर लगेगा, अगर आपने हाथ नीचे कर दिए ना, तो फिर ग्लव्स पे हैंडल पे लग के गेंद वो शॉर्ट लेग के पास बहुत बार जाता है। तो नेथन लायन को खेलते हुए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा कम कमिट हो फ्रंट फुट पे, अगर पॉसिबल हो आप लेंथ जल्दी पिक करें, और बैक फुट से आप बहुत खेल सकते हैं उनको, क्योंकि वो जो अतिरिक्त उछाल है ना, उसको आप अपना दोस्त बना सकते हैं, आप पुल मार सकते हैं, आप उसको इस तरह से खेल के वहाँ पे सिंगल्स बटोर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जस्ट अ बिट मोर प्रोएक्टिव विद योर फीट मूवमेंट, अगर ज़रूरत पड़े तो कदमों का इस्तेमाल करके पिच तक पहुँच जाएँ, नहीं तो फिर बैकफुट से खेलने का रन स्कोरिंग जो आपकी है ना, वो बैकफुट से काफ़ी होगी ऐसा मुझे लगता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एंड वंस इन अ वाइल इफ़ यू हैव दैट गेम, तो फिर बीच में कभी कभी आप स्वीप मार के उनको जस्ट टू थ्रो हिम ऑफ हिज गेम प्लान, आप ये एक रणनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर वो तभी करें जब वो आपको नेचुरली शॉट मारना आता हो। तो अगर वो नहीं, तो फिर अपने डिफेंस में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, डिफेंस थोड़ा सा ऊपर कीजिए, बैकफुट से खेलने का थोड़ा प्रयास कीजिए, और कोशिश कीजिए कि नेथन लायन को बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले, क्योंकि अगर लायन विकेट्स नहीं चटकाएंगे ना, तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि भारत इस श्रृंखला में बहुत अच्छा करेगा। Nice, Garry. Gorgeous, Garry. Nice, Garry. There we go. Against Chopra and Flemo. Nice, Mick. He has turned into a strike force as a finger spinner. He is the fifth to take a five for as a finger spinner in this part of the world, meaning Western Australia. It's phenomenal. Oh, well, he does put a lot of body behind the ball is what you see. He also gets extra bounce. Here it actually is a bit of a blessing because the grass on the surface ensured that the natural variation was more at play. The ball that doesn't turn eventually actually gets you out more often than not, and that's what you'll find with a lot of these dismissals. Yeah, he's got good variety now, isn't he? If it's turning, he'll whip the off spinner there. If it's not, a lot of overspin, changes the angle. He can bowl wide. He made sure that he didn't bowl too straight to Rishabh Pant. And then for the tail enders, he'll take that. But three-dimensional player, great with the ball, has not dismissed throughout this series yet, and he's fantastic in the field as well.